आज के अंदर? बिल्कुल विष्णु, तो देखिए जोश का माहौल है, उत्साह का माहौल है, खुशी का माहौल है, और ऐसे में भजनलाल शर्मा को राजस्थान का नया सीएम बनाने के बाद बीजेपी नेताओं ने भी खुशी जाहिर की है। आइए रिएक्शन दिखाते हैं, क्या कुछ कहा बीजेपी नेताओं ने। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनको बहुत अनुभव है और बहुत युवावस्था से पार्टी के साथ जुड़े हैं और लगातार तीसरी बार वो प्रदेश के महामंत्री रहे हैं और बहुत अनुभव है सरकारों के साथ काम करने का और एक निष्ठावान सेवा करने वाले कार्यकर्ता हैं। आया उसके बाद से थोड़ा सा कहीं ना लोगों को लगा, बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें इतना अवसर मिल रहा है इस जीवन में। लाखों करोड़ों लोग रोज पैदा होते हैं और हम उनमें से एक सौभाग्यशाली हैं कि जिनको पार्टी ने अवसर दिया है जीवन में सेवा करने का अवसर मिला। कांग्रेस सरकार में जिस तरह पेपर लीक हो रहे थे, लेकिन भाजपा के सरकार में तीन मुख्यमंत्री बने और कहीं भी थोड़ा सा भी 1% भी लीकेज नहीं है, विधायक बहुत को बहुत बहुत, यही तो हमारे पार्टी की खूबी है और यही हमारा अनुशासन है और आने वाले समय पर देखेंगे कि बहुत बेहतर काम राजस्थान में होने वाला। धन्यवाद। मोदी जी की गारंटी की ये शिकस्त राजस्थान की जनता ने दी है, जालसाजी को, झूठ को, भ्रष्टाचार को, और यह टूट विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी पे और आदरणीय मोदी जी के ऊपर राजस्थान की जनता ने व्यक्त किया है, उस विश्वास को निश्चित रूप से मैं नमन करता हूं राजस्थान की जनता का। और हम सब लोग टीम राजस्थान, और मैं पूरा विश्वास करता हूं आदरणीय भजनलाल जी के अगुवाई में, नेतृत्व में राजस्थान विकास की ओर नई ऊंचाइयां छुएगा। मैं पुनः अपनी ओर से, पूरे प्रदेश इकाई की ओर से, पूरे राजस्थान की जनता की ओर से मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और विधानसभा के अध्यक्ष जी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी काम करने वाला, बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता है, उसको एक दायित्व, ये जिम्मेवारी है और ये एक दायित्व है, ये पद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमारे को संस्कारों में यही सिखाया है कि ये एक दायित्व है और इसके अंदर डिप्टी सीएम और सीएम सभी बने निश्चित रूप से कार्यकर्ता के नाते। अब आने वाले समय में जो जनता ने हमें मैंडेट दिया है, जनता ने जो विश्वास जताया है, इस अशोक गहलोत की सरकार का जो पिछले 5 साल में कुशासन रहा, इससे आने वाले समय के अंदर एक सुशासन देना, विकास कराना, डबल इंजन की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से राजस्थान का विकास होगा और इस जो जनता का उम्मीद है विकास, उसके ऊपर हम सब खरा हो। देखिए, अगर सही मायने में समीक्षा करिए तो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी ने एक नई राजनीतिक संस्कृति का परिचय दिया है, जहां पार्टी के अंदर भी आंतरिक लोकतंत्र है, समन्वय बिठाने की कला है और नए कार्यकर्ताओं को भी मौका देने का एक कमाल का एग्जाम्पल सेट हुआ है। बहुत ही अच्छा निर्णय है। शीर्ष नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान पूरा परिवार मिलके, और जो तय हुआ है वो हम सब ने आपस में मिलके सहमत होकर तय हुआ है। संगठन का पुराने कार्यकर्ता, बहुत पुराना अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर उन्हें सेवा का मौका मिला है, पूरे प्रदेश की सेवा, पूरा भाजपा परिवार सामूहिक रूप से सबके सब, पूरे विधायक पूरे मिलकर उनके साथ काम करेंगे। मोदी जी का जो विजन है उस विजन पर हम सब लेकर प्रदेश का विकास करेंगे। चलिए, तमाम नेताओं के रिएक्शन हमने आपको सुनाए, प्रतिक्रियाएं आपको दिखाई कि किसने क्या कुछ कहा, और ऐसे में फिलहाल भाजपा के तमाम आम और खास नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, सभी में खुशी का माहौल, और कुछ ही देर में जो है पहुंचेंगे भजनलाल शर्मा बीजेपी मुख्यालय।